हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू 2022 निसान मैग्नाइट के बारे में। और आज हम इसका जो वेरिएंट देखने वाले हैं ना, ये इसका सबसे पॉपुलर वेरिएंट है और लोग इसे काफ़ी चाहते हैं। मतलब अगर आप देखे जाए तो इसके पे वेटिंग भी बहुत चल रही है, ऐसा ये वेरिएंट है। और ऐसा मतलब बहुत कम गाड़ियों में होता है कि उनका जो बेस वेरिएंट है उसके लिए इतनी डिमांड होती है, पर ये आप देख रहे हैं इसका बेस वेरिएंट मैग्नाइट XE, तो ये काफ़ी वेटिंग पे ये चल रहा है। काफ़ी लोगों को इसकी मतलब बहुत इसकी पसंद आ रही है। इसकी जो डिज़ाइन है या इसकी जो इक्विपमेंट्स या जो फीचर्स इसमें दे दिए हैं वो किसी भी आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। जैसे आप देखते थे नेक्सॉन और ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है वो भी काफ़ी अच्छा था, पर वो जो अपडेट हुआ है उसके साथ वो उतना अच्छा नहीं बन जाता। और ये जो इसका सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे एक बेहतरीन बेस वेरिएंट आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड आप वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं और इस टाइप की वीडियोस के लिए। तो इसमें क्या ऐसा दे दिया है कि लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं, उसी बारे में बात करेंगे। पहले तो इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात तो यही लगी कि इसकी प्राइस, जो प्राइस है वो थोड़ी समय बाद मतलब बढ़ती है, पर अब जो इसकी प्राइस है एज ऑफ जो जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसकी प्राइस है वो है अराउंड 5,97,000 एक्स शोरूम की। और इसी की ऑन रोड आपको प्राइस पड़ती है, जो मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपको पड़ेगी 7,25,000, 7.25 लाख की आपको ये गाड़ी ऑन रोड मुंबई में आपको ये पड़ेगी। तो इसी के बारे में, इसकी फ़ीचर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, आपको फ्रंट से क्या डिज़ाइन है, कैसा है। और जो फ़ीचर्स के मामले में इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद मतलब मिल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो की है, तो बेस वेरिएंट आपको काफ़ी एक मिनिमलिस्टिक और बेसिक ही की मिलेगी। इसमें जो सेंट्रल लॉकिंग है वो नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बेस वेरिएंट है और वैसे कुछ उसकी दिक्कत नहीं है। और आगे से अगर आप फ्रंट लुक देख रहे हैं ना, तो आपको ये बेस वेरिएंट लगेगा नहीं, क्योंकि निसान ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रोम का इस्तेमाल किया है। अगर आप जो बाकी के बेस वेरिएंट देखते हैं वहाँ पे जो सब क्रोम के डिटेल्स होते हैं कंपनीज ब्लैकआउट कर देती है, पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्रोम का काफ़ी अच्छा सा यूज़ किया है। यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अच्छा क्रोम है यहाँ पे, और ये जो ग्रिल है वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। और जो निसान का लोगो है वो अब नया है, तो वो आप देखिए। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको DRLs नहीं मिलती, पर DRLs की तरह ही यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप दी है, तो एक अगर आप रिफ्लेक्शन देखते हैं तो ये काइंड ऑफ एक DRLs का ही एक पार्ट लगती है। नीचे आपको कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते, ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको LED में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। ये जो स्किड प्लेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लैक पार्ट है ये आपको ऊपर के वेरिएंट में सिल्वर में मिलता है, पर ये बेस वेरिएंट है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ये ब्लैक फिनिश में दिया गया है, तो वो एक चेंज आप देखिए। हेडलैम्प्स है वो आपको फुल हैलोजन का ही सेटअप यहाँ पे दिया गया है, लो बीम हाई बीम के लिए। और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऑल इन ऑल आपको काफ़ी अच्छा ये लाइटिंग सेटअप दिया गया है, इसकी जो लाइट्स है वो भी काफ़ी पावरफुल है। अब थोड़ी यहाँ पे इंजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 72 BHP वाला 3 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पे पेट्रोल का मिल जाता है, 96 Nm स्टॉक, और ARAI माइलेज अराउंड आपको 17-18 की दी गई है। तो पावर ठीक ठाक है, मतलब इसमें टर्बो का भी ऑप्शन आता है, सिर्फ वो बेस वेरिएंट में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी 3 सिलेंडर इंजन है, तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन दी गई है। हुड काफ़ी भारी है, और उसका रीज़न क्या है कि इस गाड़ी ने ग्लोबल NCAP की रेटिंग में पूरे के पूरे 4 स्टार की रेटिंग लाई है, तो सेफ्टी के फ्रंट में भी ये इस गाड़ी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2 एयरबैग्स ABS EBD के साथ, तो वो एक अच्छी बात है कि आपको सेफ्टी भी इसी वेरिएंट से मतलब सेफ्टी इस गाड़ी में मिल रही है। ऐसे नहीं कि थोड़ी सस्ती गाड़ी है तो 2 स्टार या 1 स्टार की रेटिंग, पूरे 4 स्टार की आपको बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग इसमें दी गई है। तो अब बढ़ते इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल पे क्या अच्छा है कि आपको यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको बॉडी कलर्ड ही दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको ब्लैक्ड आउट किए गए हैं। हाँ, जो मिरर है वो ब्लैक्ड आउट ज़रूर है, पर जो डोर का जो हैंडल्स है वो आपको बॉडी कलर्ड दिए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात एक्सटीरियर में आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना पसंद किया जाता है, कि यहाँ पे आपको रूफ रेस दी गई है, आपको यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, और इसी वेरिएंट से आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ऊपर आपको एक एंटीना दिया गया है, तो जो शार्क फिन तो नहीं है पर म्यूज़िक सिस्टम ना हो के भी आपको एक एंटीना ज़रूर दिया गया है। और जो बात पीछे है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा एक स्पॉइलर टाइप दिया गया है ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट। आपको डिफॉगर्स है, वाइपर्स है, और जो लाइट्स है उसका भी काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स या आप कह सकते हैं वाइपर्स, और ये कौन देता है, क्योंकि हमारी जो वेन्यू है SX, जो एक नीचे ही वेरिएंट आता है,
उसमें भी आपको कोई वाइपर्स या नहीं मिलते, तो वो एक बात आप ध्यान रखिए। तो अब बढ़ते हैं इसकी टायर की तरफ। तो टायर्स कैसे है कि आपको राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट ही आपको काफ़ी अच्छी साइज़ के 16 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं। कोई व्हील कैप्स नहीं आते अनफॉर्चुनेटली, पर ठीक है बेस वेरिएंट में ऐसा ही होता है सभी गाड़ियों में, पर 16 इंचेस है, ऐसे नहीं कि 15, वेन्यू में 15, सोनेट में 15 आता है, पर इस गाड़ी में आपको राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट 16 इंचेस का व्हील आता है। एक्सेसरी से आप एक व्हील कैप लगा लीजिए, काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक जो इंडिकेटर है वो इस पे ना मिलके आपको फेंडर्स पे मिलता है, तो वो एक बात, आप उसमें इतना सारा दे दिया तो ये आप थोड़ा हजम कर सकते हैं। मैग्नेट की बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई है काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है, अराउंड 205 mm को आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। स्पेस की अगर बात कर लेते हैं तो जो बूट स्पेस है वो अराउंड आपको पड़ता है 336 लीटर्स का। आपको इस वेरिएंट में कोई आपको यहाँ पे पार्सल शेल्फ नहीं आती, ये सब इसके एक्सेसरीज पड़े हैं, तो इसमें भी वो पार्सल शेल्फ नहीं आती ना। सीट आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। 336 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। हैलोजन की लाइट्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है यहाँ पे। मैग्नेट की काफ़ी अच्छी बैजिंग है, काफ़ी अच्छी थर्ड के साथ ये बंद होता है, और जो पार्किंग सेंसर्स है वो भी कंजूसी नहीं है यहाँ पे। तो जो पार्किंग सेंसर्स है वो भी आपको यहाँ पे 4 दिए गए, बाकी की गाड़ियों में 2 मिलते हैं, वेन्यू में ही 2 मिलते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो भर भर के फीचर्स एक्सटीरियर में आपको दिए गए। अगर आप एक व्हील कैप लगा लोगे ना तो आपको बता ही नहीं सकते कि एक्स ई वेरिएंट है करके। स्पेस की अगर बात करूँ तो जो स्पेस है वो डिसेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया। और जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स मिलते हैं, कोई आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे स्पेस भी ठीक ठाक सा है, कुछ इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता। देखिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब मेरी हाइट तो डिसेंट है पर मेरे लिए तो बहुत जगह इधर मिल जाती है। बेस्ट पार्ट क्या है और एक मैं आपको बता दूँ, बेस वेरिएंट होने के बावजूद आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ यहाँ पे दिए गए। कौन देता है इतना ये बेस वेरिएंट में, तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ प्लस विथ सम फैब्रिक, यहाँ पे देखिए फैब्रिक की फिनिश दी गई है, तो सॉफ्ट टच भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए ये लोग इतना पसंद कर रहे हैं ना इसको, मतलब ऐसे ही नहीं कोई गाड़ी का मतलब इतना बेस वेरिएंट लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पे इसका जो इंटीरियर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटीरियर है, इंटीरियर भी काफ़ी रिच लगता है। अपार्ट फ्रॉम आपको कोई स्टीरियो नहीं मिलता तो आप आराम से आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। जो बेस्ट बात अभी भी कहता हूँ मैं, ऑल 4 पावर विंडोज़ राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट, चाइल्ड लॉक, ORVM आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जो सीट्स है वो फुल्ली फैब्रिक की है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको किधर भी नहीं मिलता ना आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। हाइट फंक्शन भी आपको अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट में नहीं आता बेस वेरिएंट। तो आगे क्या कह रहा था मैं कि इसका जो इंटीरियर है, और एक बात जो पॉजिटिव आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बेस वेरिएंट है और ड्यूल टोन इंटीरियर्स है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाइट और यहाँ पे आपको ब्लैक की फिनिश दी गई है, तो एरीनेस की काफ़ी फीलिंग आती है आपको। बेस वेरिएंट में भी आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स दिया गया है, तो सबसे बढ़िया बात एक ही इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शन आता है, इसमें कोई आपको ऑटोमेटिक का चॉइस तो नहीं आती मतलब बेस वेरिएंट है तो। और उसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका क्लस्टर दिखाता हूँ, तो की मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका जो की इंसर्ट है तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, वो भी डिजिटल टाइप है और आपको मतलब वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। बैठ के देखते हो फीचर्स चेक कर लेते हैं तो आपको ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर मिलता है मैग्नाइट की XE में। तो यहाँ पे क्या क्या है आपको यहाँ पे इतना मस्त ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, फुल डिजिटल, मतलब फुल डिजिटल नहीं है पर ये काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके जो टॉप वेरिएंट वाला तो माँ कसम मस्त दिखता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका बटन्स दिए गए इसे सेट करने के लिए, लैम्बोर्गिनी टाइप आपको यहाँ पे इसके AC वेंट्स दिए गए जाते हैं, मतलब जो डिज़ाइन है वो लैम्बोर्गिनी टाइप ही है। कोई स्टीरियो नहीं आता ठीक है, उतना तो बनता ही है। ये हजार लाइट का स्विच है, ये बूट ओपन करने के लिए बटन, ये डिफॉगर्स, तो डिफॉगर्स भी आपको बेस वेरिएंट में आ रहे हैं, तो वो आप देखिए कितना मस्त है। आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी दी गई है फ्रंट के 2 विंडोज़ के लिए। और क्या है, स्टेयरिंग व्हील पर अगर आप देखते हैं तो लेदर रैपिंग के साथ नहीं आता ना कोई कंट्रोल्स। हॉर्न आपको दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ हॉर्न है, और ये वाइपर के कंट्रोल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलिंग की कंट्रोल। जो ड्यूल टोन इंटीरियर है ना वो देखिए मुझे मज़ा आ गया। जो स्टेयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट है आपको ऊपर नीचे ही मिलेगी, आगे पीछे नहीं मिलती। और जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना एवरेज, यहाँ पे देखिए 21 की एवरेज दिखा रही है गाड़ी, मतलब आप देख सकते हैं काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी इसका इंजन है, 3 सिलेंडर वाला 1 लीटर का।
आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं, मतलब जो एसी का कंट्रोल्स है वो दिए गए हैं, मैनुअल ही एसी है आपको यहाँ पे, कोई मतलब ऑटोमेटिक क्या है एक्सपेक्ट करेंगे। फ़ोन रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एक्चुअली इधर आता है जो ऊपर के वेरिएंट्स में, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फ़ोन रखने के लिए डीप टनल है, मतलब कभी होल्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये इसका है 1 लीटर वाला इंजन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, टर्बो 6 स्पीड वाला आता है, और रिवर्स कुछ ये ऊपर लेके ऐसा रिवर्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंसर है उन्होंने आवाज़ की यहाँ पे, तो ये सेंसर है पीछे। मैनुअल हैंड ब्रेक है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्पेस है, दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, और जो सीट फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, और जो ग्लव बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, टाटा लेवल टाइप दिखता है, मतलब कितना डीप आप देख सकते हैं, कितना बड़ा आपको यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स दिया जाता है। ऊपर के सनवाइज़र पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, ये नॉर्मल डे नाइट वाला तो एटलीस्ट इन्होंने दिया है। ये इसकी लाइट्स हैलोजन में है, और लेफ्ट साइड के सनवाइज़र पे आपको यहाँ पे एक मिरर विथ अ कवर दिया जाता है। तो एक चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं ड्राइवर साइड को छोड़ के सभी के साइड पे, और एज एन ऑल आपको यहाँ पे पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है। 7,25,000 में आपको एक 4-स्टार रेटेड कार मिल रही है, और आपको एक स्टीरियो ही लगा के लोगे तो काम बन जाएगा आपका। इंजन भी काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है आपका। डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी पसंद आती है इस गाड़ी की, तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, सेफ्टी दी गई है, और स्पेस तो भर भर के है इस गाड़ी में, तो स्पेस के मामले में भी आपको मतलब ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।